आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यूरो ट्रिप, जो कि एक कॉमेडियन लव स्टोरी है जिसमें चार दोस्तों की बेवकूफी की वजह से आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। ये स्टोरी है स्कॉट की, जो ऑनलाइन जर्मन लड़की पटा लेता है। मूवी शुरू होती है स्कूल से, स्कॉट जो अपने बेस्ट फ्रेंड कूपर के साथ होता है। स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड फियोना से मिलने आ रहा होता है, जो उससे एक साल छोटी होती है और अभी स्कूल में होती है। स्कॉट अब कॉलेज जाने वाला होता है, लेकिन फियोना स्कॉट से ब्रेकअप कर लेती है। तभी स्कॉट की फैमिली वहां आ जाती है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। स्कॉट रोने लगता है और उसकी फैमिली उसके मजे ले रही होती है। फिर घर पर स्कॉट का छोटा भाई और कूपर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर स्कॉट के पास मेका का मैसेज आता है। स्कॉट को लगता है वो लड़का है। फिर कूपर स्कॉट को वेट की पार्टी में चलने का पूछता है। स्कॉट बोलता है वो फियोना को अपनी ग्रेजुएशन नाइट बर्बाद नहीं करने देगा। फिर वहां हम जेनी से मिलते हैं, जो इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्त होती है। फिर जेनी स्कॉट को बताती है हम हॉलीडे मनाने यूरोप जा रहे हैं, पर स्कॉट वहां नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास काम है। हमें पता चलता है फियोना का चक्कर एक बैंड सिंगर से चल रहा होता है। स्कॉट ये देख बहुत पी लेता है। फिर घर आकर स्कॉट मियका का मैसेज पढ़ता है। मियका को स्कॉट का ब्रेकअप का सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उससे मिलने का पूछती है, पर स्कॉट को लगता है वो एक लड़का है, इसलिए वो मना कर देता है और वो उससे दूर रहने को कहता है। अगली सुबह स्कॉट का छोटा भाई उसे बताता है कि वो एक लड़की है। स्कॉट अपने भाई को एक फोटो दिखाता है और बताता है ये माइक है और उसकी बहन है। तो उसका भाई उसे बताता है उसका नाम माइक नहीं मियका है। स्कॉट को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम जर्मनी में मियका को देखते हैं, जो स्कॉट को ब्लॉक कर देती है। स्कॉट मियका को मैसेज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। स्कॉट को सिर्फ इतना पता होता है कि वो बर्लिन में रहती है। फिर स्कॉट कूपर के साथ जर्मनी जाने का प्लान बनाता है। एयरपोर्ट पर उन्हें पता चलता है कि अगले एक हफ्ते तक जर्मनी के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो वो लोग इंग्लैंड की फ्लाइट करा लेते हैं। फिर स्कॉट और कूपर लंदन पहुंचते हैं, लेकिन बर्लिन के लिए बस कल निकलेगी, इसलिए तब तक ये लोग एक क्लब में जाने का प्लान बनाते हैं। जब वो लोग क्लब में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है ये क्लब सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स के लिए है। तो स्कॉट बोलता है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन क्लब से हैं और उन्हायो से आए हैं। फिर वो दोनों सारी रात उन लोगों के साथ पीते हैं। इधर मियका ने स्कॉट को अनब्लॉक कर दिया था, पर उसे स्कॉट का रिप्लाई नहीं आया था। फिर मियका किसी और लड़के को किस करने लगती है। फिर हम देखते हैं स्कॉट सपना देख रहा होता है। स्कॉट एक बस में उठता है। फैन क्लब वाले उन दोनों को पीने के बाद अपने ही साथ ले जाने लगते हैं। वो बस पेरिस जा रही होती है। पेरिस पहुंचकर वो दोनों अपने फ्रेंड जेनी और जेमी से मिलते हैं। स्कॉट जेनी को मियका के बारे में बताता है और अपने साथ बर्लिन चलने को कहता है। जेनी मान जाती है। अब वो सब ट्रेन में है और बर्लिन जा रहे हैं। एक आदमी आकर जेमी और कूपर के बीच में बैठ जाता है। स्कॉट उसे किसी और कंपार्टमेंट में जाने को कहता है, पर उसे स्कॉट की बात समझ में नहीं आती। फिर वहाँ एक टनल आता है और ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर आती है तो वो देखते हैं उस आदमी ने अपना एक हाथ जेमी के पैर पर रखा होता है। फिर कूपर उठकर स्कॉट के पास बैठ जाता है। अब जेमी उस आदमी के साथ अकेला होता है। फिर दूसरी टनल आती है और जब ट्रेन टनल से बाहर आती है तो इस बार वो आदमी जेमी की मसाज करने लगता है। फिर वो लोग डर जाते हैं। और अब तीसरी बड़ी टनल आती है। फिर टनल के बाद ये लोग देखते हैं वो आदमी अपनी पैंट निकालकर बैठा होता है और ये लोग उस आदमी को कंपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। फिर ये लोग एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर बस आदमी होते हैं और जेनी को वहाँ देख कर वो सारे आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब ट्रेन से एम्स्टरडैम जा रहे होते हैं। ट्रेन में स्कॉट मियका के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो बर्लिन पहुंच गया है और अब मियका के साथ में है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है वो उसी अजीब से आदमी के साथ है। फिर उनका ग्रुप एम्स्टरडैम में रुकता है, जहां रात में एक आदमी जेमी का पर्स लूट लेता है जिसमें उनके सारे पैसे टिकट और पासपोर्ट थे। अब वो ये बात सबको बताता है। फिर वो लोग लिफ्ट लेकर बर्लिन जाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रक वाला रुकता है पर उसको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो गलती से उन्हें दूसरी जगह ले जाता है। वो जगह बहुत ही शांत होती है। फिर वो लोग वहाँ एक आदमी से मिलते हैं और स्कॉट उससे पूछता है यहाँ पर बर्लिन के लिए ट्रेन कब आएगी। वो आदमी बताता है बहुत जल्द आएगी, बस बन ही रही है। और उन्हें वहाँ यूएस डॉलर का बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाता है। फिर वो लोग होटल में खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग नाइट क्लब में जाते हैं। वहाँ वो लोग बहुत ज्यादा पी लेते हैं और बहुत नशे में होते हैं
और फिर स्कॉट और कूपर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं जेमी एक लड़की को किस कर रहा होता है। फिर वो देखते हैं वो लड़की जेनी है। जेमी और जेनी को ही नहीं पता होता कि वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं तो अचानक से शॉक हो जाते हैं। अगले दिन जेमी और जेनी बहुत उदास होते हैं और कूपर उन पर हंस रहा होता है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देख जेमी उस पर कूद पड़ता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन्हें अपनी कार में बर्लिन छोड़ने को कहता है। ये वही आदमी होता है जो उन्हें कल मिला होता है। फिर वो लोग उसकी कार में बर्लिन जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग मियका की बिल्डिंग खोज लेते हैं। फिर स्कॉट और कूपर मियका के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ वो मियका के डैड से मिलते हैं। स्कॉट मियका के डैड से कहता है कि मैं मियका से मिलने आया हूँ, तो उसके डैड बताते हैं मियका तो यहाँ नहीं है, वो समर के लिए गई है। फिर वो दोनों मियका के डैड के साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके डैड बताते हैं मियका रोम में है। स्कॉट का रोम जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। तभी जेमी वहाँ पैसे लेकर आ जाता है। कूपर जेमी से पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जेमी ने रोम की टिकट खरीदने के लिए अपना कैमरा बेच दिया था। फिर वो लोग बर्लिन से रोम जाते हैं। मियका रोम में एक म्यूजियम में होती है। उन चारों को म्यूजियम में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वहाँ का गार्ड बोलता है ये एंट्रेंस सिर्फ प्राइवेट टूर के ग्रुप के लिए है। तो जेनी कहती है हम प्राइवेट टूर ग्रुप ही हैं और जेमी को अपना गाइड बताते हैं। फिर उन्हें एंट्री मिल जाती है। स्कॉट और कूपर मियका को ढूंढ रहे होते हैं तो गलती से कूपर एक बेल बजा देता है जो कि पॉप के मरने का सिग्नल होता है। तो सबको लगता है कि पॉप मर गए। फिर वो पॉप के कमरे में चले जाते हैं। कूपर वहाँ पॉप की हैट पहन लेता है। स्कॉट उसे उतारने को कहता है। कूपर से गलती से हैट में आग लग जाती है और सारे रूम में धुआं फैल जाता है। तभी स्कॉट बालकनी में आ जाता है और नीचे खड़े लोग स्कॉट को नया पॉप समझ लेते हैं। स्कॉट पर्दे से लटक कर नीचे आता है जहाँ गार्ड आकर स्कॉट और कूपर को पकड़ लेते हैं, लेकिन फुटबॉल क्लब के फैन वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर स्कॉट मियका के पास जाता है और कहता है देखो मैं आ गया। मियका उसे कहती है तुम कौन हो, क्योंकि मियका ने स्कॉट को कभी नहीं देखा था। फिर वो उसे बताता है मैं स्कॉट हूँ और वो उसे पहचान जाती है और वो स्कॉट को देखकर बहुत खुश होती है और स्कॉट मियका को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। और जेमी यूरोप में ही रुक जाता है क्योंकि उसे अपनी गाइडिंग की वजह से वहाँ जॉब मिल जाती है। अब स्कॉट की हॉलीडे खत्म हो जाती है और वो अपने कॉलेज जाता है। स्कॉट फोन पर जेनी से बात कर रहा होता है जो कि अब कूपर के साथ होती है। तभी स्कॉट के घर की डोरबेल बजती है। स्कॉट डोर खोलता है तो वहाँ मियका होती है जो कि अब उसकी रूममेट होती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।